हेलो स्टूडेंट तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर थर्ड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेम है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एटम सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप्स क्या होता है किसे कहते हैं हम एलोट्रॉप्स सो हेयर एन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ इज़ नोन एज एलोक्ट्रॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट मीन्स जैसे कि हमें पता है कि ग्रेफाइड कार्बन का एलोक्ट्रॉप्स है डायमंड कार्बन का एलोक्ट्रॉप्स है इन दोनों को अगर हम बर्न करें तो इन दोनों के केस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ई मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं बट अगर इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए या इनके फिजिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर डिफरेंस है मींस हमारा डायमंड क्या होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड होता है बट ग्रेफाइट की बात की जाए तो वो सॉफ्ट होता है तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम है इसी को हम एलोट्रॉप्स कहते हैं ओके सो हेयर नेक्स्ट कार्बन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेल नोन एलोट्रॉप्स हैं उनके नेम हैं ग्रेफाइट, डायमंड एंड बक मिस्टर फ्लोरिन ये मैं क्लास टेंथ के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ और आपके सिलेबस में ये तीन एलोट्रॉप्स हैं ग्रेफाइट, डायमंड्स एंड बर्किनस्टर फ्लोरिन सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रेफाइट ओके सो व्हाट इज ग्रेफाइट एंड ग्रेफाइट का मेनली जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है सो so, सारी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेफाइट के बारे में समझते हैं ईच कार्बन एटम इज़ बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम मीन्स अगर यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये है आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर मैंने खुद बनाया है और ये आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है और यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि एवरी कार्बन एटम मतलब ईच कार्बन एटम ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम मीन्स अगर हमने यहां पर एक कार्बन एटम लिया है दिस इज कार्बन तो इससे आपका तीन अदर यानी थ्री अदर कार्बन एटम जुड़ेंगे ओके okay? मीन्स अगर देखा जाए तो का यहां, ग्रेफाइट के केस में इसके एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे और यही रीजन है कि ग्रेफाइड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होता है इसका ग्रेफाइड का ग्रेफाइड से ग्रेफाइड के फॉर्म में अगर देखा जाए तो इस कार्बन से तीन कार्बन लगे होंगे बट चौथा जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री होगा ओके okay? सो so इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है इसका हेग्जागोनल रिंग स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है हेग्जागोनल हेग्जागोनल रिंग स्ट्रक्चर ओके अब ये हेग्जागोनल कैसे बनाता है तो यहां पर इसके बारे में भी देख लेते हैं हेग्जागोनल कैसे ये प्रिपेयर करता है तो हमारे पास ये सिंपल एक कार्बन है और इस कार्बन से हमने क्या किया है तीन कार्बन को हमने जोड़ दिया ओके, okay? एंड अब इस कार्बन से इस वाले कार्बन से भी तीन कार्बन जोड़ेंगे वन टू एंड थ्री एंड इस कार्बन से आपके थ्री कार्बन एटम वन टू एंड थ्री ओके एंड नेक्स्ट सेम इज सेम इज हेयर अगर देखा जाए इस कार्बन एटम से वन टू एंड थ्री एंड हेयर वन टू एंड थ्री तो इस प्रकार से आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा ग्रेफाइट का वो कैसा बनेगा हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर ओके सो अब यहां पर एक चीज और ये देखा गया है कि ग्रेफाइट कैसा होता है तो ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट होता है स्मूथ ओके सो यहां पर मैं राइट किए देता हूं कैसा होता है ग्रेफाइट हैज मेनी लेयर ऑफ कार्बन एटम एंड यही रीजन है कि यहां पर क्या होता है ग्रेफाइट ग्रेफाइट सॉफ्ट सब्सटेंस होता है सॉफ्ट सॉफ्ट सबस्टेंस और ये यूज होता है पेंसिल में जो पेंसिल हम लोग डेली यूज करते हैं लिखने के लिए ओके सो यूज एज यूज एज पेंसिल तो ग्रेफाइट को हम पेंसिल के रूप में यूज करते हैं राइट right? और ये गुड कंडक्ट ये कंडक्टर का कंडक्टर होता है राइट right? बिकॉज हमने बताया यहां पर क्या होता है कि कार्बन uh, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है यही रीजन है कि ग्रेफाइड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है और यहां पर एक मजेदार बात यह है कि कार्बन और कार्बन के बीच में चूंकि ये लेयर वाइज होते हैं वन लेयर टू लेयर थ्री लेयर ऐसे लेयर वाइज स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो वीक वॉन्डर वॉल्स फोर्स के के द्वारा ये दोनों ये कार्बन आपस में बंधे होते हैं यानी बॉन्डिंग इनकी जो होती है वो वॉन्डर वॉल्स फोर्स के द्वारा होती है तो वीक वॉन्डर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके कारण इन ये जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है एंड स्लीपरी होता है ओके ग्रेफाइट so, यहां पर हमने अच्छे से देख लिया अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ग्रेफाइट के बारे में कुछ क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो ग्रेफाइट का क्वेश्चन पर बनता है Why graphite is good, good conductor of electricity? तो आपसे अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों होता है तो यहां पर मैं बता सकता हूं कि ग्रेफाइट uh, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि इसके जो कार्बन एटम होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं थ्री एंड अदर कार्बन एटम से तो यहां पर क्या देखा गया है? कि सो थ्री इलेक्ट्रॉन यूज आर इन बॉन्डिंग ओके ओनली थ्री इलेक्ट्रॉन आर यूज इन बॉन्डिंग बट अब यहां पर वन इलेक्ट्रॉन क्या है पूरी तरीके से वन इलेक्ट्रॉन यहां पर जैसे कि मैंने बताया था वन इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री है एंड रीजन क्या है यहां पर द फ्री इलेक्ट्रॉन मेकिंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्रेफाइड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है ओके सो नेक्स्ट नेक्स्ट इलेक्ट्रॉप नेमड एज डायमंड के बारे में अगर देखा जाए तो ईच कार्बन एटम ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रेजिड थ्री डी स्ट्रक्चर मीनस यहां पर इस इस स्ट्रक्चर को मैंने खुद ड्रॉ किया है ध्यान से देखना ये आपका कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम से कितने कार्बन एटम जुड़े होंगे फोर वन टू थ्री एंड फोर तो एक कार्बन एटम से चार कार्बन एटम आपस में लिंक होते हैं और ये कैसे होते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग के द्वारा ओके सो कोवेलेंट बॉन्ड ऑलरेडी हमने अपने लेक्चर में खत्म कर दिया है अगर आपने कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पढ़ा है या कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं और यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने डिस्कस किया और अगर यहाँ पर देखा जाए डायमंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के जानने के लिए तो डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फैक्ट जो यहाँ पर मैं फैक्ट लिखूँगा उसको ध्यान से देखना डू नॉट कंडक्ट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओके एंड नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्ट नेक्स्ट फैक्ट आपका क्या है इनको अगर बर्न करेंगे बर्न ऑन ए स्ट्रॉन्ग बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग हीटिंग प्रोड्यूस प्रोड्यूस सी ओ टू मीन्स अगर मैं, अगर हमने क्या किया डायमंड को स्ट्रांग हीट कर दिया मतलब बहुत ज्यादा मैं हमने गम हीट कर दिया तो डायमंड क्या करेगा सीओ टू गैस बर्न होके सीओ टू गैस प्रोड्यूस करेगा ओके सो so ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि हम सभी को पता है कि जो कार्बन है वो प्योरेस्ट फॉर्म प्योरेस्ट फॉर्म है किसका कार्बन एटम का ओके सो so डायमंड किसका फॉर्म है प्योरेस्ट फॉर्म है तो डायमंड कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है इसीलिए अगर हम डायमंड को बर्न करेंगे तो वो सीओ टू गैस प्रोड्यूस करेगा ओके सो नेक्स्ट फैक्ट इज डायमंड डायमंड डोंट हैव डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स और यही रीजन है कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है ओके और इसके इसके अगर प्रॉपर्टीज के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझें तो डायमंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल है ओके नॉन मेटल भी है और ये एक्सेप्शनल में देखा जाए तो हमने चूंकि अगर इसके मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो मेटल स्ट्रॉन्ग सॉलिड होता है लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल क्या है बहुत ही सॉलिड है ओके okay? तो डायमंड आपका कैसा होता है सॉलिड इन नेचर का होता है एंड नेक्स्ट आपके पास थर्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है नेम्ड एज फ्लोरिन्स अब फ्लोरिन्स क्या होता है तो फ्लोरिन्स एज अ फुटबॉल लाइक फुटबॉल सेफ होता है स्ट्रक्चर एंड इसको एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर नेम नेम था उनका बक मिस्टर फ्लोरिन तो उनके द्वारा चूँकि इसकी खोज हुई थी तो उन्हीं के नाम पर इसका आ, नाम पड़ा गया बक मिस्टर फ्लूरीन ओके तो फर्स्ट द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज कार्बन सिक्सटी मींस कार्बन सिक्सटी इसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कार्बन सिक्सटी पूरी तरीके से क्या बनेगा फुटबॉल सेप स्ट्रक्चर बनेगा हुई हैज कार्बन अरेंज्ड इन द सेप ऑफ फुटबॉल फुटबॉल सेप का अरेंजमेंट होगा कार्बन सिक्सटी का और ये किसके नाम पर पढ़ा था तो यूएस आर्किटेक्ट थे जिन जिनके नाम पर पढ़ा बक मिस्टर फ्लोरेंस ओके सो ये हमारे तीन एलोट्रॉप्स थे कार्बन के जिसको हमने एक एक करके अच्छे से समझा और अगर इसमें से कोई डाउट होता है कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग